सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। फिर आप इसमें लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। दोस्तों लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, 900 का सिलेक्ट कीजिए, रेजुलेशन 1080 रखिएगा, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, ऑडियो वाले सेशन में जाइएगा, जिस भी ऑडियो पे स्टेटस बनाना चाहते हो उस ऑडियो को सिलेक्ट कर लीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पर टैप कीजिए, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा, जो भी इमेज पे एडिटिंग करना चाहते हो उस इमेज को ले लीजिए। तो फर्स्ट इमेज मैं ये वाला लेता हूँ, मूव इट ट्रांसफॉर्म में चलते हैं, जूम वाले ऑप्शन पे टैप करके इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे भी आपको रखना है। तो मैं यहाँ पे इसे रख लेता हूँ इस तरह से। आप इमेज को जो भी इमेज जैसे रखना चाहते हो उसे ले लीजिएगा। फिर यहाँ पे फिर से स्क्रीन पे टैप कीजिए, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे मूव इट ट्रांसफॉर्म जाइएगा और यहाँ पे नेक्स्ट वाला इमेज ले लीजिएगा। जो भी इमेज होगा आप उसे एडजस्ट कर लीजिए। तो मेरा ये रोटेट है तो मैं इसे 90 डिग्री पे कर देता हूँ। फिर यहाँ मूव जूम वाले ऑप्शन पे जाकर इसे थोड़ा सा जूम करके एडजस्ट कर लीजिएगा, अपना मतलब इमेज को अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, बस इतना ही करना है। ये हो गया, आप स्क्रीन पे टैप कीजिए, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडिया में फिर से जाइएगा, ऑप्शन यहाँ पे एक ठो PNG मैंने आपको दिया था, 2 ठो PNG दिया था, इस दोनों का यूज करना है। तो फर्स्ट PNG को आप सिलेक्ट कीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये पूरे स्क्रीन पे अच्छे से एडजस्ट है। सिंपली आपको क्या करना है, स्क्रीन पे टैप करना है, इस दोनों इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, मतलब जो PNG अभी लिए हैं सो फर्स्ट जो नीचे वाला इमेज था सो ऊपर ग्रुप ऑफ मास्क का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा। जैसा है स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मॉडल है उसका हेड कट रहा है तो उसे हम एडजस्ट करेंगे। उसके लिए ग्रुप पर क्लिक कीजिए, एडिट ग्रुप में जाइएगा, इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा और इसे एडजस्ट कर लीजिए। आप जितना पे भी रखना चाहते हैं आप देख लीजिए कितना पे आपको सही लग रहा है। तो इसे ज़्यादा आप कीजिएगा नीचे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी कट रहा है, तो उसे इतने पे ही रखिएगा कि आप अच्छे से एडजस्ट लगे, अच्छा लगे। फिर स्क्रीन पे टैप कीजिए, यहाँ से बैक आ जाइए, बैक आने के बाद कुछ इस तरह से आ गया, जैसे आप देख सकते हैं। स्क्रीन पे टैप कीजिए, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए और मीडिया वाले ऑप्शन में जाइएगा, नेक्स्ट PNG जो मैंने आपको दिया था व्हाइट वाला इसे ले लीजिएगा। लेने के बाद बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक कीजिए, शैडो को ऑन कीजिएगा और यहाँ पे इसका साइज जो है इसे आपको 10 या 12 15 तक रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 15 रख देता हूँ, इस तरह से थोड़ा हार्ड दिखेगा। अब स्क्रीन पे टैप कीजिए, टैप करने ये वाली एरो पे टैप कीजिएगा, लास्ट में आ जाएंगे, इस तीनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा और ये वाली ऑप्शन पे टैप कर दीजिए, तीनों लास्ट तक आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें लैडिक्स एडिट करना है, तो फिर लैडिक्स एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, एक रेक्टेंगल यहाँ पे ये वाला गोल वाला जो है इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा इस तरह से लंबा कर दीजिएगा और थोड़ा सा जूम भी करते हैं। इसके बाद कलर एंड फील्ड में चलेंगे, ड्यूल कलर वाले ऑप्शन टैप कीजिए, बीच वाला जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर लीजिए और ये जो ब्लैक वाला है इसे बीच में कर दीजिएगा और यहाँ पे नीचे जो व्हाइट वाला है इसे लेकर ऊपर कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे व्हाइट वाले पे सिलेक्ट कीजिएगा, पेंसिल के नीचे वाले आइकन पे टैप कीजिएगा और इसे यहाँ पे इस तरह से नीचे की तरफ कर दीजिएगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब स्क्रीन पे टैप कीजिएगा, बैक आ जाएगा, बैक आने के बाद फिर से इसे सिलेक्ट करना है, मूव ट्रांसफॉर्म में जाना है और इसे एडजस्ट कर लेना है आप कहाँ पर रखना चाहते हैं और एडजस्ट कर लीजिएगा, जूम करना चाहे जूम आउट करना चाहे उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ से बैक आइएगा, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाकर इसका ओपेसिटी थोड़ा डाउन कर दीजिएगा इस तरह से कि हल्का सा दिखे। फिर यहाँ से बैक आइएगा, ये वाले एरो पे टैप कीजिए, आप लास्ट में आ जाएंगे, लास्ट में आने के बाद इस वाले एरो पे टैप कर दीजिए तो आपका जो शेप लिए थे ब्लैक वाला शैडो ये लास्ट तक आ जाएगा। अभी आपको इसे प्ले करके देख लेना फर्स्ट लाइन आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और क्या है। तो फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट लाइन जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा इमोजी के लिए मेरे पास टाइम बच रहा है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे इमोजी के लिए मेरे पास टाइम बच रहा था, हम प्लस का मैं क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, एक इमोजी यहाँ पे लेते हैं और फिर जो भी इमोजी लेना चाहे उसे यहाँ पे आप लगा लीजिए। तो चलिए तब तक के लिए मैं यहाँ पे ये वाला इमोजी रख लेता हूँ। फिर यहाँ पे अलाइन करेंगे, रोबोट वाले पर क्लिक करेंगे, आईफोन वाला जो फॉन्ट आता है उसे आपको ले लेना है। तो मेरे पास आईफोन फॉन्ट है, मैं यहाँ से एक ठो ले लेता हूँ। लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसे थोड़ा सा साइज भी आप इंक्रीज कर लीजिए जितना रखना चाहे। इसके बाद फ्रेंड्स ये कलर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा, पेंसिल के नीचे वाले आइकन पर क्लिक करके इसे ट्रांसफिट कर दीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद मूव इट ट्रांसफॉर्म में जाइएगा और इसे जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो वहाँ पे रख लीजिएगा। जितना और भी बड़ा करना चाहे तो आप बड़ा कर लीजिएगा इसे इस तरह से। और फिर जहाँ से फॉन्ट आपका स्टार्ट हुआ था वहाँ पे जाकर एक्स्ट्रा जो उसे कट कर दें। तो मेरा फॉन्ट यहीं से सिलेक्ट हुआ था, इस पर क्लिक करते जो एक्स्ट्रा कट जाएंगे। अब इसके बाद आओ ना, यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो मेरा वो है आओ ना, इसमें इफेक्ट जो देना है हम बाद में दे देंगे, अभी आप टेंशन नहीं लीजिए। तो प्लस के मैं क्लिक करते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं और यहाँ पे जो भी आपका लैडिक्स है उसे टाइप कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा है आओ ना, तो मैंने कॉपी करके रखा तो मैं इसे ले लेता हूँ और जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देता हूँ। इसके बाद इसे अलाइन कर लीजिए, वोटर लोगों पे क्लिक कीजिए। ये वाली फॉन्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, इसका नाम है सेकीज ओपन टाइप। तो आप चाहे तो इसे आपके पास होगा भी, मैंने काफ़ी सारे वीडियो में दिया है, तो अगर आपके पास है तो डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसका साइज़ जो है आप 32 कर दीजिएगा यहाँ से और फिर कलर जो है कलर को व्हाइट कर लीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे कीजिएगा, यहाँ पे इस तरह से इसे एडजस्ट करना है। मूव इट ट्रांसफॉर्म में चलते हैं और जहाँ पे भी आप रखना चाहे जैसे इमोजी जहाँ पे था वहीं पर इसे भी रखते हैं। अब इसे एक बार प्ले कीजिएगा, आओगे यहाँ से,
यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कीजिए, ये वाली ऑप्शन पर टैप कर दीजिएगा, आपका फॉन्ट आगे तक आ गया। अब इस फॉन्ट में हमें इफेक्ट देना है, तो फ्रेंड सबसे पहले तो यहाँ पर जूम आउट इसे कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। जूम आउट करने के बाद इसमें इफेक्ट देना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, ए वाली ऑप्शन पर टैप कीजिएगा, थोड़ा सा और बीच में कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ मोबाइल टास्क में जाइएगा, जूम वाले ऑप्शन पर टैप कीजिए, यहाँ पे एक प्लस कर लीजिए, फिर इसके स्टार्टिंग में आइएगा और फिर इसे थोड़ा सा आगे की तरफ कर देना है। 175 तक मैंने रखा था तो मैं उतना ही रख लेता हूँ, ठीक है। तो 175.8 मैंने रखा था, 75.9 यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इस साइड में भी आइएगा और यहाँ पे प्लस कीजिएगा, प्लस करने के बाद 176.5 यहाँ पे मैंने रखा था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी रख लेंगे। इसे ज़्यादा कम करना होगा तो आगे भी हम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी के लिए आपको इतना ही रख लेना है, 176.5, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, हल्का से यहाँ पे इस तरह से। अब इस दोनों के बीच में ये कॉर्ड वाले ऑप्शन पर टैप कीजिएगा और फ्रेंड्स ये वाले को इतना पे रख लीजिएगा और ये वाले को इतना पे रख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा और ऊपर करते हैं, इतना थोड़ा और, ये बस इतना ही। थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, कॉपी कर्व कर लीजिएगा, दूसरी साइड आइएगा, थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर्व कर दीजिएगा और ये वाली ऑप्शन में टैप करके यहाँ पे फ्लिप कर दीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से बैक कीजिएगा और फ्रेंड्स इफेक्ट वाले ऑप्शन पर चले जाइएगा, यहाँ पे ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, ब्लर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए, मोशन ब्लर में जाकर यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है और फ्रेंड्स इसे पूरा 4 कर दीजिएगा। फिर यहाँ मोशन ब्लर पर क्लिक कीजिए, बैक आ जाएगा, ऐड इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ ब्लर वाले ऑप्शन में जाइएगा, यहाँ पे जूम ब्लर का ऑप्शन आएगा, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, जूम ब्लर को ओपन करना है, ओपन करने के बाद स्ट्रेंथ में आइएगा, ऑफेंस के स्टार्टिंग में आ जाइए, यहाँ पे एक की लगाइएगा, फिर आपको थोड़ा आगे जाना है और यहाँ पे भी एक की लगाना है, की लगाने के बाद फ्रेंड्स इसे 0 कर दीजिए और फिर दूसरी साइड में चलते हैं और जितना छोड़ के वहाँ पे लगाए थे उतना ही यहाँ पे लगा लीजिएगा, प्लस कीजिएगा 0 पे, फिर इसके लास्ट में जाइएगा और प्लस कीजिएगा, इसे आपको कर देना है 0.66, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 66 ही मैंने रखा था तो इतना रख लेते हैं। फिर इसके स्टार्टिंग में आते हैं फर्स्ट वाले पे और यहाँ पे भी इसे आपको 66 ही कर देना है, 0.66 ये हो गया। इसमें कोई कर्व नहीं देना है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इफेक्ट आ रहा है, जो आप लाइटिंग देख सकते हो पूरे वीडियो पे अब आ रहा है, इसका जो व्हाइट वाला लाइटिंग है पूरे वीडियो पे आ रहा है। अभी इसमें और भी हमें इफेक्ट देना है, आप चाहे तो इसे और भी यहाँ पे जूम कर सकते हैं, जूम वाला जो इफेक्ट था उसकी मदद से इसे जूम कर सकते हैं, तो इसे हम आगे एडजस्ट करेंगे, अभी के लिए इसे रहने दीजिए। अब यहाँ जूम ब्लर पर क्लिक कीजिए, बैक आ जाएगा, ऐड फिर क्लिक कीजिएगा, ऑफेंस यहाँ पर आपको कहना है, यहाँ पे प्रोसीड्यूल वाला ऑप्शन आएगा, इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे स्ट्रिप्स को ओपन कर देना है। यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर लीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा, स्ट्रिप्स को ओपन कीजिएगा और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले काउंट को 0.5 कर दीजिए, यहाँ पे विथ को सेलेक्ट कीजिएगा और फ्रेंड्स विथ को यहाँ पे आपको रख लेना है, थोड़ा कम कर देते हैं इसे, तो मैंने 10 रखा था, रख लेते हैं, फिर इसे देख लेंगे एक बार कितना पे सही लगेगा, थोड़ा आगे कर लेते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, फेज पर जाइएगा, फेज पर जाने के बाद इसके स्टार्टिंग में आइएगा, यहाँ पे एक प्लस कीजिएगा और फ्रेंड्स प्लस करने के बाद इसे 0.41 मैंने रखा था, आप भी रख सकते हैं या फिर देख लीजिएगा कि कितना पे सही लग रहा है। और फिर दूसरी साइड में चलते हैं और दूसरी साइड में आने के बाद यहाँ पे फिर से प्लस कीजिएगा, प्लस करने के बाद 1.33 मैंने यहाँ पे रखा था लास्ट में, तो ये देख सकते हो पूरी तरह से इस साइड में चला जाता है, तो यहाँ पे भी आप रख सकते हैं 1.33। इसके बाद कलर वाले ऑप्शन टैप कीजिएगा, ज़्यादा ये सेकेंड वाला रेड के जस्ट बगल वाला कलर यही चलता है, इसे थोड़ा बोल्ड कर दीजिएगा। तो अभी के लिए हम इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, आप देख सकते हैं जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इस तरह से लाइटिंग आएगा और फिर स्ट्रिप्स वाला इफेक्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ पे फिर से इस तरह से ब्लर होकर ऊपर चला जाएगा, यही इफेक्ट था। अब इसके बाद थोड़ा ऊपर कीजिएगा, यहाँ पे आप इस बीच में आ जाइए, यहाँ पे स्मूथिंग इफेक्ट देना है तो आपको दिखाई देगा, स्मूथिंग पर क्लिक कीजिए, वैसे तो 100 तक हम रख सकते हैं बट इस तरह से आप इसे आगे बढ़ाकर देख लीजिए आपको कलर कितना यहाँ पर रखना है, जितना पे सही लग रहा है तो 58 भी हम रहने दे सकते हैं या 50 भी आप चाहे तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका काम हो गया, अब यहाँ पे आपको स्ट्रिप्स पे क्लिक करना है, बैक आ जाएगा, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा, इसका इफेक्ट कॉपी होगा, हमें इमोजी में भी इफेक्ट देना है, तो सबसे पहले तो इसे इस तरह से थोड़ा सा जूम कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से जूम करने के बाद इसके स्टार्टिंग में आ जाइए, यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस करना है, तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट कीजिए, मूव एट ऑप्शन में चलिएगा, जूम वाले ऑप्शन टैप कीजिएगा, इसके बीचों बीच एक की लगा दीजिएगा, फिर इसके लास्ट में आइएगा, यहाँ पे भी एक की लगाइएगा, की लगाने के बाद इसे जूम कीजिएगा, इतना ही जूम कीजिएगा कि गैप ना हो, क्योंकि ये गैप हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से गैप नहीं हो रहा है। अब इस साइड में आइएगा, यहाँ पे भी आपको जूम करना है, इसे इस तरह से थोड़ा सा और जूम करते हैं, बस यहाँ पे ये गायब हो रहा है, तो इतना रहने देते हैं। सेम यहाँ पे भी कर्व देना है, कर्व में जाइए, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर्व कर दीजिएगा, कर्व लग गया, फिर इस साइड में आइएगा, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, पेस्ट कर्व कर दीजिएगा, फ्लिप कर दीजिएगा, यहाँ से बैक आइए, बैक आने के बाद इफेक्ट में जाइए, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कीजिएगा, एस टिप्स को यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा, एस टिप्स का काम नहीं है। तो फ्रेंड्स अब इसे प्ले करके आप देखेंगे कुछ इस तरह से आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा लाइटिंग जो है ये हल्का सा आ रहा है, अब देख सकते हैं इस तरह से ये लाइटिंग जो है हल्का सा आ रहा है। तो आप इसे और भी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए इसे जूम करना होगा, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन पे टैप करेंगे और मूवी ट्रांसफॉर्म में चलते हैं, जूम वाले ऑप्शन पर टैप करके और यहाँ जो की लगा हुआ है ये वाली में फॉन्ट में लगाए थे की, तो मूवी ट्रांसफॉर्म में चलते हैं, जूम पर चलते हैं और जूम पर चलने के बाद इसके यहाँ पर आ जाएंगे और जितना और जूम करना चाहे आप कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा जो कि काफ़ी अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकेंड लाइन के लिए इसी फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये वाली फॉन्ट को, ये वाली ऑप्शन पर टैप कीजिए, यहाँ पर कॉपी लेयर कीजिएगा, फिर इसके लास्ट में आ जाइएगा। लास्ट में आने के बाद फिर ये वाले ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पर पेस्ट लेयर कर देना है, फिर इसे प्ले करके देख लेना है। एक दिन यहाँ तक आ रहा है, सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन वाले ऑप्शन टैप करेंगे जो एक्स्ट्रा है यहाँ से कट कर देंगे और फिर यहाँ से बैक आइएगा, फॉन्ट को सेलेक्ट कीजिए, एडिट टेक्स्ट में जाइएगा, जो लिखा हो उसे यहाँ से क्लियर कर देंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एक दिन, ठीक है। यहाँ पे एक दिन ये मैंने पहले से कॉपी करके रखा तो मैं यहीं से ले लेता हूँ और यहाँ से जो है एक्स्ट्रा उसे हटा देते हैं दिन। अब यहाँ पे एक काम कीजिएगा, इसका जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल कर दीजिएगा इस तरह से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब राइट क्लिक कर लीजिएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये यह हो गया। इसी तरह से फिर नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से आपका जो लास्ट इसमें का टेक्स्ट बचा होगा, जो भी लाइरिक्स आपका होगा उसे आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। मैंने कॉपी करके रखा था, मैं पेस्ट कर दिया हूँ इस तरह से, और फिर यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके लास्ट तक करेंगे, इसे बोल्ड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और देख लेंगे कहाँ तक है, ये वाला यहाँ तक आया। तो सिंपली इस पर सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन वाले ऑप्शन टैप करके ये वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे तो आगे का जो है वो कट जाएगा। अब इसे प्ले करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लाइरिक्स हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब स्टार्टिंग में प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा और फ्रेंड्स एक पार्टिकल वीडियो मैंने आपको दिया था, उस वीडियो को आपको सिंपली यहाँ पर ले लेना है। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, ये वाली वीडियो को आप ले लीजिएगा, लेने के बाद आप देख लीजिएगा कि नीचे की तरफ गिटा है, तो इस वाले को सिलेक्ट कीजिए, मूवी ट्रांसफॉर्म में चलिएगा, रोटेट वाले ऑप्शन में टैप करके इसे माइनस में 90 डिग्री कर दीजिएगा, फिर यहाँ से बैक आइएगा, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, इसे फिल कंप्रेशन लिए कर लीजिए, पूरे स्क्रीन पर आएगा, ब्लेंडिंग पर क्लिक कीजिएगा, लाइटन पर क्लिक करके इसे स्क्रीन कर लीजिएगा, फिर इसके लास्ट में आइएगा और ये वाले ऑप्शन पर टैप कीजिएगा, कॉपी लेयर कर लीजिएगा, फिर इसी वाले ऑप्शन में टैप करके पेस्ट क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद सॉन्ग को सिलेक्ट कीजिए, सॉन्ग के लास्ट में जाइएगा, जो एक्स्ट्रा वीडियो बचेगा उसे सिलेक्ट करके ये वाले ऑप्शन टैप कर दीजिए, कट जाएगा। आपका लाइरिक्स और वीडियो भी बनकर तैयार हो चुका है। आप अपना लोगो वगैरह जो भी लगाना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे लाइरिक्स है तो यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते हैं, मैं लगाकर ही दिखा देता हूँ। प्लस के अंदर क्लिक करते मीडियम चलते हैं, मीडियम चलने के बाद जो लाइरिक्स जो लोगो आपका होगा उसे ले लीजिएगा। तो मेरा यूट्यूब में लोगो है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये वाला यहाँ से जो मैंने लोगो बनाकर रखा है मैं उसे ले लेता हूँ। तो ये वाला लोगो मैंने लिया, मूवी ट्रांसफॉर्म में चलते हैं, जूम वाले ऑप्शन चल के इसे थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं और फिर कहाँ पे रखना है उसे आपको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसी तरह से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, और फिर ये वाले एरो पे दो बार टैप कीजिए, आप लास्ट में आ जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पर एक बार टैप कर दीजिए, आपका लोगो लास्ट तक आ जाएगा। तो बस ये स्टेटस हमारा बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका स्टेटस पर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर जो एरो देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करें एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन टैप कर दीजिए, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स इसका एक्स मेल आपको मिले टेलीग्राम पर मिलेगा, वो भी कल मॉर्निंग में। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।